रजनीश, अभी मेरे पास एक लेटर आया है। इस लेटर को साझा किया है हमारे सहयोगी ने, और जीत भाटी ने, सहयोगी ने साझा किया है, जिसमें आतिशी जो कि एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक मेमो जारी किया है जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि इसकी तुरंत मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी होनी चाहिए घटना की, और 24 घंटे के अंदर इस पर रिपोर्ट सबमिट होनी चाहिए, और उन लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाया जाना चाहिए जो इस घटना के लिए, इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये आज का तो इंस्टीट्यूट है नहीं, आप बता रहे हैं कि कई दशक पहले से ये चल रहा था, तो पूरी तरह से जिस बात का आशय स्थानीय लोग बता रहे थे कि पूरी तरह से मिलीभगत का खेल चल रहा था, अब क्या कल से ये प्रोसेस शुरू होगा? क्योंकि जिसकी जान जानी थी, जिनके घरों के चिराग बुझने थे, वो तो बुझ गए हैं और अब वो कभी चाहकर भी वापस नहीं आ सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, जिसकी जान जानी थी वो चली गई है, और अब इस पूरे मामले में लीपापोती जो हर बार होती है, कोई भी बड़ी घटना होने के बाद उसकी जांच के आदेश दिए जाते हैं, मजिस्ट्रेट जांच की रिपोर्ट आती है, कुछ लोगों पर कार्रवाई होती है, और उसके बाद फिर हम तैयार होते हैं किसी अगली घटना और किसी अगली दर्दनाक घटना की रिपोर्टिंग करने के लिए। 3 दिन पहले जो घटना हुई थी उसकी भी जाँच के आदेश दिए गए थे, और आज जो घटना हुई है उसकी भी जाँच के आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन सीधे सीधे जो यहाँ के लोग हैं, स्टूडेंट हैं, जिनसे हमने बात की है, वो एक नेक्सस की ओर इशारा कर रहे हैं कि बड़ी बिल्डिंग्स के जो ऑनर हैं और वो कैसे एमसीडी के साथ मिलकर एक तरह से एक स्कैम करते हैं, करप्शन करते हैं, और एमसीडी उनको इस तरह से लाइसेंस दे देती है, उनको सुरक्षा मानकों के साथ खिलवाड़ करने की आज़ादी दे देती है, और इस आज़ादी की वजह से लोगों की, बेकसूर मासूम बच्चों की जान चली जाती है। तो निश्चित तौर पर दिल्ली सरकार की ओर से ये घोषणा की गई है कि वो मजिस्ट्रेट जाँच कराएंगे, लेकिन घटना के तुरंत बाद यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो स्थानीय विधायक हैं, दुर्गेश कुमार, दिल्ली की मेयर आ गई, नई दिल्ली की सांसद जो किसी और पार्टी से हैं, बीजेपी से हैं, बांसुरी स्वराज यहां पर आ गई, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। बांसुरी स्वराज ने सीधे सीधे यहां के स्थानीय विधायक पर आरोप लगा दिया, दिल्ली सरकार कह रही है कि हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में जो आम जिंदगी है वो खतरे में पड़ गई और दो लोगों की जान चली गई। दो शव निकाले गए हैं इस इंस्टीट्यूट से, उनके बारे में कोई जानकारी? एक छात्रा का है और दूसरा एक और शव है, वो क्या लोकल थे, आसपास के थे, दूर दराज के थे, कुछ और जानकारी उनके बारे में? देखिए, अभी कुछ पता नहीं चल पा रहा है क्योंकि डेड बॉडीज को अभी बिल्कुल डिस्क्लोज नहीं किया गया है कि उनका नाम क्या था, उनकी उम्र कितनी थी, कहाँ से वो आए थे, ये तमाम चीज़ें हैं जो अभी आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आई है, उसके लिए हमें इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन ये आंकड़े डरा सकते हैं, ये आंकड़े और ज़्यादा परेशान कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि संख्या 6-7 से ज़्यादा भी हो सकती है, और पानी बहुत ज़्यादा भरे होने की वजह से अगर अभी तक वो नहीं निकल पाए हैं और रेस्क्यू नहीं हो पाया है, तो उनके बचने की जो संभावना है वो नगण्य है, बहुत कम है। इसके लिए अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। धीरे धीरे ये जानकारी सामने आई है, थोड़ी देर पहले एक मौत की खबर थी, अभी दो मौत की खबर आई है, ये और कितनी ज़्यादा मौतें होंगी इसको लेकर हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, और ये कल्पना जो है वो बहुत ज़्यादा डराने और बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली है। रजनीश, क्या इसके आसपास ये ही एक इकलौता इंस्टीट्यूट है? क्योंकि अगर इसमें पानी भरा है तो अगल बगल के जो दूसरे हिस्से हैं वहाँ पर भी जाहिर तौर पर इंस्टीट्यूट या इसी तरह के कोचिंग सेंटर्स होंगे, उनमें भी पानी भरा है? देखिए, इस वक्त को यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखिए नुकसान कर रहे हैं, इनको अंदाजा ही नहीं है कि दिल्ली को बर्बाद करके रख दिया इन्होंने, जांच करेंगे ये लोग। लोगों में काफी गुस्सा है, लोग ये कह रहे हैं कि अब जांच करते रहिए, लेकिन प्रश्न ये है कि दो छात्राओं की मौत हो चुकी है और इन मौत का जिम्मेदार कौन है, उस पर कार्रवाई कब तक होगी? रजनीश, आप कुछ कह रहे थे। मैं देखिए आपको पानी दिखा रहा था कि सड़क पर पानी इस वक्त जमा है, जबकि बारिश बंद हुए घंटों हो गए हैं,
लेकिन फिर भी यहाँ पर पानी जमा हुआ है और ये मेन रोड है राजेंद्र नगर का, यहाँ पर पानी जमा हुआ है, यानी कि सीधे सीधे जो पानी निकासी की जो व्यवस्था होनी चाहिए, जो प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, वो यहाँ पर नहीं है। यानी कि आगे जो सीवर हैं वो बहुत ज़्यादा जाम है और वो पानी को एग्जिट नहीं करा पा रहे हैं। जो पानी जिस सोर्स से आ रहा है वहीं पर पानी जमा हुआ है और ये बताया जा रहा है कि जब बहुत तेज़ बारिश हुई थी तो बहुत ज़्यादा पानी, करीब 2 से 2.5 फीट पानी यहाँ पर जमा हो गया था और अचानक गेट जो है वो खुल गया या टूट गया, ये जानकारी यहाँ के लोग बता रहे हैं, और जिसकी वजह से ये पूरा पानी जो है वो बेसमेंट के भीतर चला गया और ये आफरा तफरी की स्थिति बनी। और उसके बाद जो चीज़ भी हुआ उसकी जानकारी हम आपको बता ही रहे हैं कि अंदर पानी भरा हुआ है, लगातार रेस्क्यू भी किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि बारिश ख़त्म होने के 2-3 घंटे के बाद भी अगर मेन सड़क पर पानी अभी भी आधे इंच से ज़्यादा है तो ये यहाँ पे जो पानी निकासी होनी चाहिए वो नहीं हुई और इसके लिए सीधे सीधे MCD जो स्थानीय स्तर पर इस तरह के साफ सफाई और इस तरह की व्यवस्था की जिम्मेदारी। जो लोग दिल्ली के हैं या दिल्ली के आसपास के हैं वो तो बखूबी राजेंद्र नगर और वहाँ पर मौजूद कोचिंग सेंटर्स के बारे में जानते हैं, लेकिन जो लोग अभी देख रहे हैं और देश के दूसरे हिस्सों में है, ज़रा बताइए कि राजेंद्र नगर UPSC या दूसरी तरह की कोचिंग के लिए क्यों बहुत अहम है इलाका? देखिए, राजेंद्र नगर दूसरा सबसे बड़ा एपिक सेंटर है जहां पर UPSC की तैयारी कराई जाती है। मुखर्जी नगर के बाद राजेंद्र नगर है क्योंकि ये सेंट्रल दिल्ली में आता है। दिल्ली के तमाम जो स्टूडेंट हैं वो यहां पर आते हैं और लंबे समय से यहां पर अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, बहुत रेप्यूटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं। इस लाइन में ही करीब 5-6 अलग अलग संस्थान हैं जो UPSC की तैयारी कराते हैं और जिनके रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं, हम विज्ञापन भी उनके देखते हैं। तो बच्चों के लिए एक बहुत हॉट जगह ये मानी जाती है मुखर्जी नगर, चूँकि दिल्ली विश्वविद्यालय का जो नॉर्थ कैंपस है उसके नज़दीक है और ये इलाका जो है कहीं ना कहीं साउथ कैंपस से बहुत नज़दीक नहीं लेकिन उसके आसपास का ये इलाका माना जाता है। तो दोनों ही जगह दिल्ली विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं वो यहाँ पर आकर पढ़ाई करते हैं और यहाँ सेंट्रल दिल्ली होने की वजह से सेंट्रली लोकेटेड है। दिल्ली के तमाम जो इम्पोर्टेंट जगह हैं वो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है।